किसी भी फिश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो कंटिन्यू चल रहा होता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा आइस बनने लगती है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसके फ्रीजर में बहुत ज़्यादा आइस है। इसका रीज़न ये होता है कि फ्रिज का थर्मोस्टेट जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जिससे जो फ्रिज है उसका कंप्रेसर ऑटोमेटिक कट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसे मैनुअली भी डिफ्रॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्विच दिया होता है, इसे अंदर आप प्रेस करेंगे तो जो फ्रिज का कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। इसमें लिखा भी है कि सप्ताह में 2 बार इसके डिफ्रॉस्ट बटन को दबाना है। जब आप डिफ्रॉस्ट बटन को दबा देंगे तो थोड़ी देर बाद ये जो आइस है ना ये पिघल जाएगी। जब बहुत ज़्यादा आइस तैयार हो जाती है फ्रीजर के अंदर तो कूलिंग में भी प्रभाव पड़ता है।